हे गाइस, आई एम परिश्मिता। तो यहाँ पे मेरा दोस्त है, यहाँ पे आकांक्षा तिवारी, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड की बहन है। नमस्ते। तो आज होगा हम लोग का स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। तो उसमें क्या होगा, मीन्स हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टोरीज बोलेंगे। तो पहले बोलेगी स्नेहा। तो स्नेहा पांडे इसका नाम है, तुम्हारा नाम आकांक्षा तिवारी, मेरा नाम आप लोगों को पता ही होगा परिश्मिता। हाँ, तो चलो अब तुम स्टोरी बोलो। ओके, रेडी? आज मैं बोलूंगी एक कहानी। आज मैं बोलूंगी कहानी। बोल। एक भेड़िया था और एक पीड़ी थी। बुटी माँ बोली थी ना, पीड़ी बेटा मत सरना छोड़, भेड़िया आएगा तो ही आदमी आएगा, दब दाना दा तो फिर वो उसकी मम्मी छाना लेने जाए। और होता हुआ और हुआ ना, एक बोलो वो पीटी जब वो ना बोली ना वो ना बोलो मेरे था बोला था वो ना पे था बोला मुझे वो पीटी छाना पड़े। फिर वो बोला पीटी बेटा छोड़ो दरवाजा, वो ने बोला पहले था, फिर वो पहले से आया, फिर वो क्या मैदे में फिर दुकान से आटा ले आया और अपने पैर डाला और फिर गया और फिर बोला प्यारे बेटे छोलो डरवा, फिर वो अपना पैर वाने था, फिर अंदर दूसरा फिर देता बोला ना पीटी तो मेरी मम्मी आई है, फिर ऐसा हुआ तो नहीं आ रहा है। फिर नहीं उसने दरवाजा छोड़ा, फिर ना फोन ना बोला ना तुम छोड़ लिए दरवाजा, फिर ना वो ने बैठे नहीं तो छुपा ओले के पीछे एक पीढ़ी था छोटा, वो ना जाते ना थड़ी में छुपा और ना एक ना पीढ़ी अलमारी में और एक पीढ़ी कमरे में और रोमन सब दादा झूठे थाली एक बोल एक पीछे जा रहे, फिर पानी पीते छोड़ दिया, फिर उसकी मम्मी आई और क्या हुआ, एक बच्चा छुपा था बोली मम्मी ए डोमरी ने थाली उठो, फिर क्या हुआ, फिर वो दही उठा उठ बच्चा निकाल के। इस बार मेरी बारी कहानी बोलूँगी और गलती हुआ तो माफ़ कर देना। एक हॉस्पिटल था, उसके बाद वहाँ पर एक डॉक्टर था, उसमें उसने उसने उसको बहुत लोगों को ठीक कर दिया था। तो एक लोग सब लोगों ने थोड़ा सा जाना कि उन लोगों ने ज़्यादा जादू टोना किया तो सब ने उसको मार दिया। तो एक एक एक, एक बुरा आदमी था, उसका बच्चा हमेशा कोमा में रहता था, सबको दिखाया। तो उसने गया साधु बाबा के पास, तो साधु बाबा ने बोला उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो साधु बाबा को बोला कि साधु बाबा आप भी चलिएगा, तो वो बोले कि मैं बाद में आऊँगा तुम आगे जाओ। तो वो ओके। तो गाइस अब मेरी टर्न है, तो अब मैं बोलने वाली हूँ एक लाइक हाँ कहानी। तो अगर गलती हुई तो माफ कर देना, अगर आपको पता हो तो चलिए कहते हैं। तो वहाँ पर लाइक कर लेना। हाँ, तो एक टेलर था, वो ना वो जब कपड़े सिला था उसके घर में बहुत मक्खियाँ था। तो बाहर में ना कुछ लेडीज खड़े हुए थे अपने साड़ी को सिलवाने आए थे, तो वो बोला 5 मक्खियाँ ना उसके कपड़े में बैठ गया। वो बोला हाँ इतना मक्खियाँ आता है इसे मार देता हूँ मैंने, और फिर बोला मैंने तो बहुत मक्खियाँ मारे। फिर लेडीज जो बाहर खड़े थे उन्होंने सुना इसने तो रावण मारा है बहुत और अभी भी मारेगा। तो वो लेडीज तीनों गए राजा के पास और बोले राजा जी हमें एक महा मीन्स वहाँ पे बहुत एक रावण का अत्याचार होता था तब। तो उन्होंने बोला हमें एक सिपाही मिल गया है जो एक रावण हम लोग के देश को मीन्स डिस्ट्रॉय करने वाला एक रावण जो है उसको मारने के लिए एक सेना का जो एक फौजी या फिर वो बोल सकते हैं वो रेडी है। तो उसके बाद उसे बुलाया गया, तो वो बोला मैं तो मक्खी मारने का बात कर रहा था ना कि रावण। उसने बोला मुझे कुछ नहीं सुना, कल रात तक मुझे वो रावण मरा हुआ चाहिए। तो उसने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, वो सोचा मैं तो इसे ऐसे नहीं मार सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो उसने क्या किया, एक कपड़ा लिया एक सुई लिया, वो उसका मुंह को सिल दिया, तब किसी को नहीं खा पाएगा और कुछ खराब नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद जब सुबह हुआ तो वो उसके घर में गया, मीन्स वो इंसान वो रावण के घर में गया और बोला, और तब रावण बोला कि तुम मीन्स इशारा करके बोला कि तुमने मेरा मुंह क्यों सिल दिया। तो उसने बोला कि अगर तुम यहाँ का मीन्स हम लोग के नगर का अगर
अगर तुमने किसी को भी नहीं खाया तो मैं तुम्हारा मुंह खोल सकता हूँ। अगर तुमने नहीं खाया तो तुम्हें मैं आज बहुत सारा खाना दे दूंगा, तुम वो खा के पेट मीन्स डाइजेस्ट कर लेना, पेट भर लेना। तो वो बोला ठीक है। तो उसके बाद उसका मुंह खोल दिया गया और यहाँ पे हो गया स्टोरी का दी एंड। कैसा लगा हम लोग का स्टोरी चैलेंज? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।